तो बैलेंस शीट छाप रहे हो पर नोट वन एंड टू रेडी नहीं है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि आज मैं आपको नोट वन एंड टू का फॉर्मेट देने वाला हूँ जो कि आप सीधे प्रोफेशनल यूज़ में ले सकते हैं। और आपको बता दूँ ये फॉर्मेट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए है। ये ICAI की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसी के तहत बनाया गया है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ICAI ने नई गाइडलाइंस लाई है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ पे AS की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको अगर पता नहीं हो तो बता दूँ कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के चार लेवल हुआ करते थे, लेवल 1, 2, 3, 4 करके, और उन्हीं के बेसिस पे उन पे AS एप्लीकेबल हुआ करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने ये चीज़ चेंज कर दी है और क्राइटेरिया में अब दो लेवल कर दी है, एक है लार्ज एंटिटी और एक है MSME। अभी MSME वो MSME नहीं है जिनका रजिस्ट्रेशन MSME में हुआ है, नहीं, ये MSME ICAI ने जो क्राइटेरिया दिया है उसके बेसिस पर आएगी। तो इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं आपको एक स्क्रीन पर दे देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है। अगर मैं ओरली बताऊँ तो लिस्टेड कंपनीज़ वगैरह जो कंपनीज़ होती है बड़ी, उन्हें तो सारा का सारा आपको उसमें डाल रखा है लार्ज एंटिटी में। इसके अलावा अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा की है, या फिर आपकी जो बोराइंग्स है वो किसी भी दिन पूरे साल भर में, पिछले साल की बात चल रही है उसमें, पिछले साल का टर्नओवर आपका अगर 250 करोड़ से ज़्यादा का है, या आपकी कभी भी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की बोरिंग हुई है तो आपकी लार्ज एंटिटी है, और उससे कम है तो आपकी MSME है। दोस्तों काम की बात पे आते हैं जिसके लिए आप आए हैं, और जल्दी मैं आपको अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको MS Word पे अपने नोट्स काम करके दिखाऊँगा कि वो नोट्स कैसे बने हैं, उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि भाई बिना एक्सप्लेन करे आप अपने काम करने चले गए तो वो आपके किसी काम में नहीं आएगी। असल में मैंने जो नोट्स शेयर करे हैं उसमें मैंने 4 Word फाइल दी है, और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि 4 तरह के नोट्स टू अकाउंट है जो कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में लगने वाले हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं यहाँ पर नोट्स देने वाला हूँ ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में MSME कैटेगरी के हैं, लार्ज एंटिटी की क्योंकि मेरे पास भी कोई क्लाइंट नहीं था तो इस वजह से मैं लार्ज एंटिटी के बनाने में मेहनत नहीं करी। ये MSME के हिसाब से है और ये जनरल फॉर्मेट है। आप इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके कई सारी एंटिटी में वक्त में ले सकते हैं, और थोड़ी बहुत उसके हिसाब से कुछ चेंजिंग करनी हो कि उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी बाकी सबसे हटके हो तो आप उसमें वो नोट डाउन करिएगा, या आपको कुछ और उसमें डिस्क्राइब करना है, एक्स्ट्रा कुछ डालना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपनी कई सारी एंटिटी में क्योंकि वो सब जगह सेम ही चीज़ चलनी है, और मेरे पास 4 कैटेगरी बन रही थी मेरे लिए तो मैंने वो 4 कैटेगरी के नोट्स टू अकाउंट बनाए हैं, और उसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूँ ये 4 कैसी कैसी फाइल्स हैं, तो 2 तो हमारी है कंस्ट्रक्शन वालों के लिए अलग बनाई है मैंने, जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनके में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का होता है और थोड़ा रिवेन्यू रिकॉग्निशन की भी पॉलिसी थोड़ी अलग हो जाती है, तो मैंने वो छोटी सी चेंजेस करके और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 अलग बनाए हैं और नॉर्मल वालों के लिए 2 अलग बनाए हैं। अब ये 2 कैसे हैं तो आपको बता दूँ कि MSME कैटेगरी की है पहली बात, लार्ज एंटिटी का मैंने नहीं बनाया क्योंकि लार्ज एंटिटी लिस्टेड कंपनी वगैरह होनी चाहिए, 250 करोड़ के टर्नओवर होने चाहिए, वो मेरे पास नहीं था तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी। तो MSME के अंदर ये 2 कैटेगरी के और है, MSME के अंदर भी ICAI ने 2 तरह की कैटेगरी बना रखी है और उनके बेसिस पे उनके 2 और AS है जो कि नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं थोड़ी छोटी MSME को। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मैंने एक स्मॉल MSME लिखा हुआ है और एक नॉर्मल MSME करके नोट डाल रखे हैं, तो स्मॉल MSME का मतलब है वो छोटी वाली MSME, ठीक है। तो ICAI की आप गाइडलाइंस देख लीजिएगा या फिर मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है कि कौन सी वाली एंटिटी मैंने यहाँ पर स्मॉल MSME डाल रखी है और कौन सी बड़ी MSME कह रहा हूँ मैं, ठीक। इन्हें आप, और मैंने पूरी की पूरी क्या क्या हमारे ये एग्जाम टेस्ट जितने भी AS वगैरह वो सारी चीज़ मैंने नोट्स टू अकाउंट में लिख रखी है क्योंकि वो भी हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने इसे क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं करा, और पूरा नोट्स टू अकाउंट में सारे AS मैंने एंटर कर रखे हैं जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं। आप लेकिन फिर भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ें चेक कर लीजिएगा, और चलिए पहले स्क्रीन पर आ जाते हैं तो डायरेक्टली आपको समझाने में थोड़ा आसान होगा। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये मैंने नोट्स जो अकाउंट अपने खोल भी लिए हैं। तो जैसे कि आप ये ऊपर देख सकते हैं कि हमारे लिखा हुआ है नोट्स जो अकाउंट MSME वाले हैं ये। ऐसी दोस्तों मैंने आपको 4 फाइल दे रखी है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाली है, उन सब में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 1-2 नोट्स अलग कर दिए मैंने, और MSME की एक स्मॉल MSME लिख के होगी जिसके अंदर 2 और AS है जो कि एप्लीकेबल नहीं होने हैं उन पर, वो वाली के लिए स्पेशल बना रखी है मैंने, ये बाकी MSME के लिए है, और लार्ज के लिए मैंने कुछ दिया नहीं है आपको। तो ये 2024-25 के लिए ही है। तो इसमें जब आप खोलेंगे तो आपको बता दूं ये नोट 1 है, इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, जो मैंने बस इतना सा ही दिया हुआ है।
इसमें जो भी येलो कर रखा है उसे आप चेंज कर दीजिएगा। येलो मैंने हाईलाइट करके रख रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार मैं डिस्क्राइब कर दूँ तो बस यहाँ नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप या प्रोपराइटरशिप में से एक चीज़ लिखनी है, यहाँ बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, ये पैन नंबर और किस चीज़ का बिजनेस आपका है, और साथ ही साथ आपका एचओ का एड्रेस क्या है, ये चीज़ें आपको डालनी है। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है और ये एक जनरल फॉर्मेट है। यह आता है दोस्तों नोट 2, यहाँ पर आपका आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी पॉलिसीज़ कौन कौन सी एप्लीकेबल होगी ये आईसीआई अपनी गाइडलाइन में बताता रहता है। 24-25 के हिसाब से जितनी गाइडलाइन एमएसएमई के लिए होनी थी उन्हें मैंने यहाँ पर डाल रखा है। लार्ज है तो सारे एएस एप्लीकेबल हो गए, और वरना बाकी सबके लिए जितना जितना एप्लीकेबल था मैंने कर दिया है। अच्छा, इसमें भी स्कोप होगा कि कमी है तो आप उसे अपने हिसाब से और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो आप इसी को लेंथ बहुत बढ़ा सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से छोटा ही रखा है क्योंकि वो ऐसा नहीं हो कि मैं उसे चेक ही ना करूँ। तो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंज करने के लिए होगा उसे मैंने हाईलाइट करके रख रखा होगा। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं, देखिए AS7 है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये कंस्ट्रक्शन वाले में अलग कर रखा है मैंने। ऐसी रिवेन्यू रिकॉग्निशन का भी उसमें मैंने अलग कर रखा है। तो ये फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से बना रखे हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है AS11 में, तो ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने ये लिख रखा है कि कोइन ट्रांजेक्शन फॉरन एक्सचेंज के नहीं थे, तो ये मैंने एक डिस्क्लोजर दे दिया कि भाई मेरे पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। अगर आपकी फर्म में भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप एस ए टी छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके में फॉरेन एक्सचेंज का था तो बस इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिएगा और ऊपर वाला एस ए टी आप लेकर रहने दीजिएगा, वही आपका हो गया। और अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ अलग है फर्म की तो आप उसका फिर अलग बनवाइए। ऐसी मैंने यहाँ डाल रखा है कि हमारे में कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, अगर है तो आप इसे हटा दीजिए। और ऐसी मैंने इसमें डाल रखा है, मैंने पूरा नोट बना रखा है कि आप पूरा का पूरा नोट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एंड में मैंने ये लाइन डाल रखी है, वो भी बोल्ड करके डाल रखी है ताकि ये ऊपर का हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये बात की संतुष्टि हम दे सकें। तो ये डिस्क्लोजर मैंने यहाँ दे रखा है अलग से कि हमारे पे है ही नहीं, तो एक तरह से हमारे लिए तो नॉट एप्लीकेबल हो गया ना, तो हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगी इससे। ठीक है, ये रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर है जो कि बड़ी एमएसएमई में देना पड़ रहा है। जो मैंने बताया था ना आईसीआई ने एमएसएमई की भी 2 कर रखी है, तो जो छोटी वाली एमएसएमई है उनमें तो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर भी नहीं देने, ये एक एएस नॉट एप्लीकेबल है उनके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको सब बता देना रिलेटेड पार्टी का भी, ये लीज का डाल रखा है, ये हाईलाइटेड है क्योंकि मेरे में कोई वो चीज़ होगी नहीं एप्लीकेबल तो मैंने कर रखा है ऐसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वगैरह WDB के हिसाब से मैंने कर रखा है सेट। AS हमें कुछ और कहता है कि AS में कुछ और होना चाहिए, पर हमारा इनकम टैक्स कुछ और कहता है, और नॉन कॉर्पोरेट में हम इनकम टैक्स की सुनते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर हम WDB मेथड लगा रहे हैं एक तो, और इनकम टैक्स के हिसाब से हम सारी डेप्रिसिएशन वगैरह कर रहे हैं कैलकुलेट। तो थोड़ी बहुत चीज़ उसी हिसाब से मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो देख लीजिएगा। इस वाली एंटिटी में मैंने लिख रखा है इंटेंजिबल एसेट नहीं है क्योंकि इसमें नहीं थे। अब आपके में होंगे आप ऐड कर लीजिएगा। इस वाली एंटिटी में यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, आपके में है तो आप इस लाइन को बस काट दीजिएगा। ऊपर का पूरा सिम टू सेम ऐसे ही आएगा, AS पूरा का पूरा बना रखा हुआ है फॉर्मेट, कोई कमी नहीं है, बस ये लाइन हटा देना अगर आपके में है। और अगर नहीं है तो मैंने बस इसलिए लिख रखा है कि हमारी लाइबिलिटी नहीं रहती है कोई भी उस AS के ऊपर, तो एक लाइन भी हम सेफ पॉइंट के लिए लिख देते हैं। या इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के लिए लिख रखा है, ये प्रोविजन्स इसके लिए लिख रखा है, और ये नीचे मैंने डाल रखा है कि हम पे जो जो AS एप्लीकेबल नहीं है जो एग्जेम्प्ट हो गया ICICI के, तो वहीं से जो भाषा वगैरह देख के मैंने फिर ये कर रखा है। और ये कुछ अदर नोट्स जो अकाउंट में मैंने डाल रखा है कुछ जनरल बातें, तो ये बात आती है। इसके अलावा आप इसी अदर नोट्स अकाउंट में और चीज़ें पॉइंट बढ़ा सकते हैं, आपको कुछ भी चाहिए। ज़्यादातर हम इसमें ऐसे ऐसे मैनेजमेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने डाल रखी है। और आपको कुछ और इसमें कुछ खास दिखाऊं तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम का भी आपको पता हो, अभी अभी ICICI ने इसमें भी अमेंडमेंट लाए थे, तो ये गाइडलाइंस के थ्रू उसने अपने नोटिफिकेशन में डाला था। और ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का नया फॉर्मेट आया है, नॉन नया फॉर्मेट तो कोई नहीं आया, AS जो एप्लीकेबल होते थे वो चेंज हो गए, और जो क्राइटेरिया था फर्म का Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 वो चेंज हो गए, उसकी जगह MSME लार्ज एंटिटी कर दिया। ये ICICI ने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू लेके आया है। और अगर आप ICICI की वेबसाइट से अभी भी AS की अगर कोई बुक डाउनलोड करते हैं जो उनके पास गाइडलाइन बुक वगैरह होती है, तो उसमें अभी वही पुराना वाला हिसाब चल रहा है क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। तो आपको उनके नोटिफिकेशन में आप चेक करेंगे तो कुछ पिछली साल 2024 में अगस्त जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन उन्होंने लाया था, उसमें से आप चेक कर सकते हैं उस समय कोई नोटिफिकेशन आया था तो उधर से ये चेंजेस हुई थी। और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम भी तभी की आसपास ही कुछ चेंज हुई थी, तो
तो ये वाला भी एक नया मैंने लाया डेफर टेक्स के ऊपर, उन लोगों ने कुछ चेंजेस वगैरह किए थे। तो ये पूरा फॉर्मेट है दोस्तों, ऐसे ही आपके बाकी के तीन मैंने फाइल दिए वो भी ऐसे ही है, उनमें कुछ खास ऐसा अलग है नहीं कि मैं आपको दिखाऊँ। दोस्तों ये आपने नोट्स अकाउंट देखे, ये मैंने पर्सनली बनाया है और एक एक पार्ट मैंने इसका बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज करके, कई सारे टूल्स की हेल्प लेके और कई सारी अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग जगह से इसकी एक्सप्लेनेशन जान के और ICAI की गाइडलाइंस देख देख के और इसे तैयार किया है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि नोट्स जो अकाउंट आपके बहुत हेल्प में आने वाले हैं। इनका जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा आपको क्या ये बात पता है कि ICAI का नॉन कॉरपोरेट का इस बार नया फॉर्मेट आया हुआ है बैलेंस शीट का? अगर आपको नहीं पता तो आपको हमारी वीडियो देख लेनी चाहिए जिसमें हमने नया फॉर्मेट एक्सेल शीट में दिया है। और केवल ICAI की दी हुई एक्सेल सीट ही मैंने आपको नहीं दी है, बल्कि उसके अंदर एक्सेल के सारे फॉर्मूलेस ऐड कर दिए हैं, जिससे वो सीट बन जाती है फुली ऑटोमेटिक। और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाइए और मेरी वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको भी तो वो डाउनलोड लिंक चाहिए होगा जिससे कि आप बैलेंस शीट को बहुत आसानी से बना सके। और आज आपको नोट 1 एंड 2 भी मिल गए, तो उम्मीद है कि आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे चैनल पर ही कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों जाते जाते यार प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर हमारी वीडियोस और ज़्यादा रीच होती है और ऑडियंस तक, क्योंकि एल्गोरिदम जो होती है इनकी यूट्यूब वगैरह की वो ऐसे ही काम करती है। तो हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसे और अपडेटेड वीडियोज़ हम आपके लेके आए। और हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले साल की भी तो आपको चाहिए, तो हाँ भाई जल्दी से जाओ लाइक करो सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।